नमस्कार, आप देख रहे हैं namofarmmedia.com, झांसी के व्यापारियों ने झांसी जिला कारागार पहुंचकर बांटे मास्क। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सभी वर्ग अपने अपने स्तर पर इससे बचा हुआ इसकी रोकथाम करने के प्रयासों में लगे हुए हैं। इसी क्रम में व्यापारी नेता राजीव राय और व्यापारी नेता संजय पटवारी के नेतृत्व में व्यापारियों ने जिला कारागार पहुंचकर वहां निरुद्ध कैदियों को मास्क वितरित किए। इस दौरान बताया गया कि जिला कारागार में लगभग 1100 कैदी निरुद्ध हैं और चूंकि सारे एक ही कैंपस में रहते हैं, इसलिए यदि एक भी संक्रमण जिला कारागार के अंदर आ गया तो पूरे के पूरे 1100 कैदी उससे प्रभावित होंगे। जेल अधीक्षक राजीव शुक्ला ने बताया कि कारागार के अंदर साफ सफाई आदि का समुचित प्रबंध किया गया है और इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि फिलहाल 700 मास्क वितरित किए हैं और जल्द ही सारे कैदियों को सैनिटाइजर भी वितरित किए जाएंगे। पूरे विश्व में कोरोना जैसे व्यापक महामारी का जो एक असर है, इसको दूर करने के लिए जैसा कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, सभी को और सभी व्यक्तियों को एक प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो अपने आप को जो है साफ रखें और लोगों से अलग रखें, भीड़ से। इस क्रम में और बहुत सारे इसमें जो सुझाव भी हैं, बहुत सारे उपचार भी हैं, उस क्रम में जो है आज यहाँ व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री राजीव राय जी कारागार पर उपस्थित हुए और इन्होंने सभी प्रकार के जितनी भी आवश्यकताएँ मतलब बंदियों के लिए है वो पूर्ण करने के लिए आश्वासन भी दिया और इस क्रम में इन्होंने आज यहाँ पे 700 मास्क भी वितरित किए। उन्होंने कहा, अगर देखिए, चूँकि ये बीच शहर के अंदर झांसी का जिला कारागार है तो इस वजह से समस्या ये आती है कि इतना सेंसिटिव एरिया है कि चारों तरफ इसके शहर बसा हुआ है और इसके अंदर लगभग 1300 लोगों की उपलब्धता रहती है। बंदी रक्षक में ला के 50 बंदी रक्षक हैं, करीब 1250 के करीब बंदी हैं और संक्रमण जिस हिसाब से फैल रहा है, अगर एक भी व्यक्ति को ये संक्रमण फैल गया तो ये 1300 लोग कब चपेट में आ जाए पता नहीं चलेगा और 1300 के 13000 होने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए प्रशासन, जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन अपने स्तर से तो काम कर ही रहा है लेकिन एक लिमिट होती है क्योंकि सारे जिलों में जेलें हैं तो जितनी उनको उपलब्धता हो पा रही उतनी वो कर रहे हैं। तो सुप्रिंटेंडेंट साहब से बात हुई, माननीय मंत्री जी से बात हुई तो ये हुआ कि भाई सेंसिटिव एरिया में झांसी की रक्षा के लिए ज़रूरत ये है कि हम बंदियों को फेस मास्क लगा दें जिससे कि वो सेफ रहें और अभी व्यवस्था सैनिटाइजर की भी जा रही है तो सैनिटाइजर भी जेल में भिजवा दिया जाए। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे और चूंकि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के योगी जी ने कहा है कि इस आपदा से हमें निपटना है, उस आपदा से निपटने के लिए एक डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है, लेकिन जिला जेल एक ऐसी चीज जगह है जहां 1100 कैदी एक ही कैंपस के अंदर बंद रहते हैं। आज हम लोगों ने एक पहल की है अपने मित्र और छोटे भाई राजीव राय और हमने कि कैदियों को एक मास्क हम लोग बांट रहे हैं, आगे हम सैनिटाइजर भी उन्हें देंगे। अगर वो कैदी एक ही जगह 1100 कैदी रहते हैं तो निश्चित ही संक्रमण अगर एक भी आ गया तो वो पूरे 1100 कैदी इफेक्टेड हो सकते हैं। उनके बचाव के लिए, उनके रक्षा के लिए आज हमने ये अभियान चलाया है जो लगातार जारी रहेगा।